छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में 880 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। इस पर हमने पहले भी अपडेट दिया था। आज के इस वीडियो में इसका पूरा अपडेट हम देखेंगे। योग्यता क्या रहेगा, वेतनमान क्या रहेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेंगे, वो सारी जानकारी अब आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे तो प्रयोगशाला परिचारक के 430 पोस्ट, भृत्य के 210, चौकीदार के 210, स्वीपर के 330 पोस्ट है। टोटल 880 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें वेतन लेवल प्रयोगशाला परिचारक में 3, भृत्य में 1, चौकीदार में 1, स्वीपर का 1 वेतन लेवल रखा गया है। इसके बाद परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी। न्यूनतम शिक्षण योग्यता यहाँ पर बताया गया है कि प्रयोगशाला परिचालक के लिए 10वीं पास रहेगा, बाकी भृत्य चौकी स्वीपर के लिए 5वीं पास रहेगा। अगर आप 10वीं पास हैं, 5वीं पास हैं, तो आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म आप भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा छूट दे दिया गया है, 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में और कई सारी बातें को अनिहार्यता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें थोड़े से बात और है कि आपको चौकीदार, भृत्य और स्वीपर इन 3 तरह के पदों के लिए एक ही आवेदन भरना होगा, अच्छा, और स्वयं की वरीयता का चयन करना होगा किसमें आप ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, जबकि आपको प्रयोगशाला का पद होगा उसके लिए पृथक से अलग आवेदन करने होंगे। ये बातें यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर बताया गया है चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, तो चयन प्रक्रिया हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 1 एवं 2 में संलग्न है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या परीक्षाएं होंगी, जैसे कि भृत्य, चौकीदार, स्वीपर पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। संयुक्त भर्ती परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में आवेदकों को प्रथम चयनित वरीयता के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, जबकि प्रयोगशाला परिचालक के लिखित परीक्षा हेतु पृथक से आयोजित की जाएगी। और लिखित परीक्षा के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होगा। ये बातें इसमें कही गई है, तो बस यही जानकारी आपको प्रोवाइड कराना था। जानकारी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। और जो भी आज 10वीं पास है, 5वीं पास है, जो आवेदन करने की इच्छुक है, उसके पास इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें।